Hello friends, in this video we shall learn about two very unique, interesting, opposite and important things in our life and their different forms. And they are water and fire. Let us start with form of water. Vapor, Ushma, Bhaap. It is a gaseous form of water. ये भाप के रूप में होता है. Ice. इट इज ए सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर. जमा हुआ पानी, ठंड से जमा हुआ पानी को आइस कहा जाता है. टीयर, आंसू, ए ड्रॉप ऑफ वाटर रोल डाउन द आइस, आंखों से बहने वाला पानी. स्वेट, पसीना, इट इज द वॉटर विच कम्स आउट ऑफ द बॉडी, शरीर से निकलता है टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर, शरीर का टेम्परेचर बनाए रखने के लिए. रेन, वर्षा, बारिश, द ड्रॉप ऑफ वाटर फॉलिंग फ्रॉम क्लाउड्स, बादलों से गिरने वाला पानी, वर्षा. स्नो, बर्फबारी, फ्लेक्स ऑफ आइस फॉलिंग डाउन, आसमान से बर्फ गिरना. हेल, ओले, ओले गिरना, सॉलिड बॉल्स ऑफ आइस फॉलिंग फ्रॉम स्काई, बर्फ के गोले जो आसमान से गिरते हैं उन्हें हेल कहा जाता है, ये खतरनाक होते हैं. रिवर वाटर, नदी का पानी, the flowing water of rain or from melting of glaciers. बारिश का पानी या बर्फ गलने का पानी जो नदियों में बहता है उसे रिवर वाटर कहा जाता है. वेल वाटर, पॉन्ड वाटर, लेक वाटर, कुएं का पानी, तालाब का पानी, झील का पानी. These are water sources surrounded by land, डिफरेंट इन साइज. अलग अलग आकार के जो पानी के स्रोत होते हैं उन्हें हम वेल वाटर, पॉन्ड वाटर और लेक वाटर के नाम से जानते हैं. पुडल्स, ए टेम्पररी पूल ऑफ वाटर एस ऑफ रेन वाटर ऑन द ग्राउंड. छोटे से गड्ढे बन जाते हैं जमीन पे, ये कुछ समय के लिए होते हैं, जैसे बारिश में गड्ढे बन जाते हैं जमीन पे, उन्हें हम पुडल्स कहते हैं. Sea water, it is a collection of rivers water flowing into it. नदियों का पानी जहां समुद्र में जाके मिलता है उसे sea water कहते हैं. Violent form of water, पानी का उग्र रूप, इसे हम अलग अलग नाम से जानते हैं. Flood, deluge, inundation, an overflow of large amount of water beyond its normal limit. अपने नॉर्मल लिमिट से जब पानी ऊपर चढ़ जाता है तो उसे हम बाढ़, फ्लड, डेल्यूज, इनंडेशन ये अलग अलग नाम से जानते हैं. डिफरेंट फॉर्म ऑफ फायर. अब हम आग के रूप देखेंगे. फ्लेम, लौ, small fire like candle flame, lamp flame, मोमबत्ती की लौ, लैम्प की लौ, उसे हम फ्लेम कहते हैं. स्टोव फायर, दिस इज यूज्ड फॉर कुकिंग फूड फॉर एवरीडे नीड. गैस, स्टोव की आग को हम स्टोव फायर कहते हैं. फर्नेस फायर, भट्टी, भट्टी की आग को हम फर्नेस फायर कहते हैं. This is used in places for grilling, baking of earthen pots, and in place where large amount of food is cooked. जहाँ पे ग्रिलिंग करना हो, बेकिंग करना हो, या मटके बनाने हो, या फिर जहाँ पे बहुत लोगों का खाना बनाया जाता है, वहाँ पे फर्नेस फायर का उपयोग किया जाता है, भट्टी। Bonfire. It is a large but controlled outdoor fire. ये इंसानों के द्वारा खुद लगाई गई आग होती है। ये खुले मैदान में जलाई गई आग है। Used either for informal disposable of burnable waste material or as part of a celebration. इसमें हम अपने घर का पुराना कूड़ा करकट जलाते हैं, या फिर ये एक सेलिब्रेशन के तौर पे, जैसे होली, लोहड़ी के समय आग जलाई जाती है। Campfire. It is a fire at a campsite that provides light and warmth and heat for cooking. जहाँ पे कैंप लगे होते हैं, वहां पे ये आग जलती हुई दिखाई देगी आपको। इसे गर्मी के लिए, उजाले के लिए और कुछ पकाने के लिए उपयोग किया जाता है। It can also serve as a beacon. ये ध्यान आकर्षित करने के लिए भी होता है। And an insect and predator deterrent. या जंगली जानवर, कीट पतंग को दूर रखने के लिए। Established campground often provide a stone or steel fire ring for safety. जो एस्टेब्लिश कैंपग्राउंड होते हैं, वहां पे आपको एक पत्थर से बना हुआ रिंग या स्टील से बनी हुई रिंग मिलेगी आग के चारों तरफ। कैंप फायर्स आर ए पॉपुलर फीचर ऑफ कैंपिंग। जहां पे भी कैंपिंग होती है, वहां पे अक्सर आपको कैंप फायर दिखाई देंगे। डिस्ट्रक्टिव फायर, विनाशकारी आग। फॉरेस्ट फायर, जंगल की आग। इन्फर्नो, ऊंची ऊंची इमारतों में लगी आग। इलेक्ट्रिक फायर, बिजली से लगी आग। These are fire which cause loss of life and property. इससे जान माल का नुकसान होता है। And are sometimes uncontrollable. और कभी कभी ये नियंत्रण के बाहर हो जाता है। तो दोस्तों, आपने अब तक देखा आग और पानी के अलग अलग रूप। So friends, it is said that water and fire are good servants but bad masters. इसके लिए दोस्तों कहा जाता है कि आग और पानी से नहीं खेलना चाहिए। ये जब तक हमारे काबू में है तब तक बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब बेकाबू हो जाते हैं तो ये विनाशकारी हो जाते हैं। Friends, if you like my video, subscribe for it, share it with your friends, and don't forget to like it and comment on it. For more details, visit my YouTube channel Ektaskills and improve your English knowledge. Thank you. Keep learning. Have a nice day.